मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब लाइन में। दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अजमेर आर्मी भर्ती 2022 की कब होगी। ठीक है, इस साल तो जुलाई की 2021-22 की आर्मी भर्ती हो चुकी है, अब 2022 एंड 23 की आर्मी भर्ती कब होगी। अब बात करें दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये भी कॉमेंट आ रहा था कि 2021 में हमारे क्लर्क, हमारे नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है वो यहाँ पर नहीं हुई थी अजमेर कोटा ARO की, जिसमें अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, दोस्ता, बारा, बाला, झालावाड़ और बूंदी समेत 8 जिले इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन 8 जिलों की दोस्तों क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती नहीं हुई है और बाकी आल राजस्थान में सभी की क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती हो चुकी है। तो बात करें दोस्तों क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कब होगी एंड GD ट्रेडमैन एंड टेक्निकल 2022-23 रिक्रूटिंग ईयर की भर्ती कब होगी। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मिलने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करता रहिए। उससे पहले दोस्तों वीडियो के नीचे देखिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन रहेगा, वो अभी तक लाल ही है तो इसे प्रेस करके काला कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अजमेर आर्मी भर्ती के रिगार्डिंग समस्त अपडेट मिलती रहेगी। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कि राजस्थान के सभी ARO की भर्ती की पल-पल की अपडेट आपको पहुँचाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे। यहाँ पर हम चलते हैं रैली नोटिफिकेशन पर, जो भी रैली होती है यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जो यहाँ पर देखिए आपकी रैली है उसमें यहाँ पर देखिए नागरकोली की भर्ती दिखाई गई है, जो कि दोस्तों 2 मंथ हो चुके हैं, अभी तक किसी भी ARO का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है जारी। ठीक है, बात करें दोस्तों राजस्थान में ARO की आर्मी भर्तियों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजस्थान में अलवर की आर्मी भर्ती यहाँ पर 18 फरवरी से तय हो चुकी है। अभी डेट दोस्तों 18 से 21 भी हो सकती है क्योंकि इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, लेकिन आपकी फरवरी में भर्ती यहाँ पर होगी अलवर ARO की। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पर आपकी रिक्रूटिंग ईयर 2021-22 समाप्त हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, मार्च का महीना 31 का होता है, इसलिए 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी और 31 मार्च तक जितने भी ARO भर्तियाँ करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अगर अगले साल करवाते तो इस रिक्रूटिंग ईयर आपका खाली चला जाएगा। तो अलवर वालों ने तो ठान लिया कि उनकी भर्ती फरवरी में हो जाएगी। उसके बाद में बात करें झुंझुनू से भी खबर आ रही है कि इनकी भर्ती मार्च में करवाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जोधपुर और जयपुर से कुछ भी खबर नहीं आ रही, यानी कि उनकी भर्ती है वो यहाँ पर अगले साल ही होगी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आपके अजमेर की, तो अजमेर की भर्ती जुलाई में हो चुकी है इस साल की। तो अब अगले साल की बात करें तो देखिए जयपुर की भर्ती तो दोस्तों आपकी होगी, जोधपुर की भर्ती तो होगी अप्रैल के पहले, मतलब जो रिक्रूटिंग ईयर का पहला महीना होता है अप्रैल में होगी। ठीक है, क्योंकि जोधपुर ARO दोस्तों बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और ये अपनी भर्ती कराने को लेकर। ठीक है, इस साल भी हो जाते हैं लेकिन कोविड सिचुएशन के कारण उनको नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आपके सेकेंड जयपुर ARO की भर्ती होगी मई और जून के अंदर। ठीक है, मई और जून। अब बात करें दोस्तों अजमेर की, तो अजमेर की भर्ती होगी जुलाई और दोस्तों अगस्त में चलेगी, जुलाई और अगस्त, जो कि इस साल भर्ती हुई थी वहीं इस साल भी होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों झुंझुनू और अलवर की फिर से भर्ती होगी, जो कि आपकी दोस्तों नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तक करवा दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती यहाँ पर है वो यहाँ पर अजमेर ARO की नहीं हुई है, तो इनकी कब होगी? तो बात करें दोस्तों इनकी जो भर्ती है वो यहाँ पर आपका झुंझुनू का फॉरम है वो यहाँ पर ओपन होगा। ध्यान देना दोस्तों, झुंझुनू का फॉरम है वो यहाँ पर ओपन होगा, क्योंकि अलवर वालों का तो फॉरम ऑलरेडी फिलअप है। ठीक है, झुंझुनू का फॉरम यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर झुंझुनू की दो पॉसिबिलिटी बनती है मार्च का, तो ऐसा हमने कहा था कि मार्च से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ये भर्ती अब जनवरी में भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर जनवरी में भर्ती करवाए तो आपका जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने को कहेंगे, उसमें साथ ही दोस्तों अजमेर की भी आर्मी भर्ती आएगी जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट एंड क्लर्क की पोस्ट होगी। अब ये फॉर्म अगर दिसंबर में आए तो जनवरी में आपकी भर्ती होगी, एंड दोस्तों अगर ये फॉर्म आपका दोस्तों यहाँ पर जनवरी में आया तो आपकी भर्ती है वो यहाँ पर मार्च में होगी। ठीक है, तो आपके दोस्तों कलर के नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती मार्च या जनवरी में होने वाली है, तैयार रहना। अगर जनवरी में है तो 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।